वॉशिंगटन डीसी में तमाम कार्यक्रम तय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी यानी अमरीकी समय के अनुसार 21 मई की तारीख को भी यहाँ पर रात्रि भोज उन्होंने जो बाइडेन के साथ किया है, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ किया है, जहां पर यह भी खबर निकल कर आई कि वो गरबे की व्यवस्था की गई थी प्रधानमंत्री के सम्मान में। और अब जब 22 तारीख का दिन होगा, 22 तारीख जो कि हिंदुस्तान में हो चुका है और अमेरिका में अभी होने का इंतजार है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह का स्वागत व्हाइट हाउस में दिया जाएगा, जिस स्टेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है, उसका पूरा मेन्यू सजकर तैयार है, क्या क्या खास चीजें यहां पर रहेंगी, मोटे अनाज के अलग अलग व्यंजन भी यहां पर निर्धारित हैं, वेज खाने की इसमें भरमार है, यानी हर एक चीज को प्रधानमंत्री मोदी की टेस्ट के हिसाब से तय किया गया है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज शाम व्हाइट हाउस में जिस पैमाने पर भव्य डिनर का आयोजन किया गया है, उसमें ये कहावत बिल्कुल सटीक नजर आ रही है। Highlighting the millet, since it's the year of the millet, is what Carlos and Chef Nina alluded to. केसरिया रंग, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी मोर, बाजरा, भारत से जुड़े ये कुछ ऐसे रंग है जो व्हाइट हाउस के राजकीय डिनर की शोभा बढ़ाएंगे। खाने का टेबल कुछ इस तरह सजेगा कि हर मेहमान को लगेगा कि उसी के लिए ये टेबल खास तौर पर सजाया गया है। Guests will walk across the south lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. Inside each table arrangement is warm and unique. We hope guests feel as if someone has set that table just for them. Marinated millet, grilled corn salad, जिसमें तरबूज मिला होगा, stuffed portable mushroom, जिसमें केसरिया क्रीम का समावेश होगा, strawberry shortcake, ये व्हाइट हाउस में होने वाले राजकीय डिनर का मेन्यू है। डिनर में पीएम मोदी की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी शाकाहारी है, इसीलिए इस भोज में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. जब डिनर पर ग्लोबल लीडर्स हों, तो खाना सिर्फ जायके के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ कूटनीतिक संदेश छोड़ने की भी कोशिश होती है। भारत की पहल पर इस साल को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज के डिनर में इसकी छाप भी नजर आएगी। We actually did three different dish tastings with millet, and it was a bit hard to decide which one would be the best. But to start off the course, we really wanted to recognize International Year of the Millet. व्हाइट हाउस पर आयोजित स्टेट डिनर का थीम भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। This dinner, embossed on the rich forest green backdrop behind them, we have replicated that iconic eagle and a peacock in the same style, framing the leaders with their national birds. It is flowers, important symbols in India. Their gleaming petals reminding us that each day our nations bloom stronger and are more radiant together. व्हाइट हाउस में पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन डिनर करने वाले हैं। कल बाइडेन दंपति ने पीएम मोदी को निजी डिनर दिया था और आज डिनर का राजकीय भोज होगा, जो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए बड़ा सम्मान माना जाता है। ऐसे में व्हाइट हाउस में चल रही तैयारी को पीएम मोदी के बढ़ते ग्लोबल रुतबे के तौर पर देखा जा रहा है। वॉशिंगटन से श्वेता सिंह और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।